जैसे ही प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर राइज होता है, डायबिटिक कंडीशंस होती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू जाने वाला ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम होने लगता है, यानी कि बच्चे को समय से पहले भी डिलीवर करना पड़ सकता है सी सेक्शन के थ्रू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्या करें, क्या सावधानियां रखें कि डायबिटीज से हम बच जाएं, प्रेगनेंसी में हमें जेस्टेशनल डायबिटीज बिल्कुल भी ना हो। जागरूकता हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का पहला कदम है, तो जागरूक करने के लिए आज का वीडियो है, इसे आप देखें, फॉलो करें और आप पाएंगे कि ये फुल प्रूफ रेमेडी है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। आशा करती हूँ कि आपने YouTube मॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप हमसे जुड़ चुके हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपको लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होता है? अगर प्रेग्नेंट होने से पहले आपका वज़न ज़्यादा है, एक होता है ओवरवेट, एक होता है ओबेस कंडीशंस, अगर इन दोनों में आप हैं तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आगे के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं या फिर दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो गई है तो अब आपको क्या करना है जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको रिस्क ना हो, बच्चा सुरक्षित 9 महीने तक पूर्ण विकसित हो और प्रसव सुरक्षित हो। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको गर्भावस्था का मधुमेह है या नहीं, क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ टेस्ट तो नहीं कराते, हम हर हफ्ते या छोटी छोटी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास या लैब में नहीं जाते। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं तो बॉडी में कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका यूरिन फ्रिक्वेंसी, बार बार आपको यूरिन पास करने की अर्ज होती है, आप बार बार यूरिन पास करते हैं, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ अनयूजुअल होता है आपके साथ। प्रेगनेंसी में यूरिन ज़्यादा आना भी कॉमन है, प्यास ज़्यादा लगना भी कॉमन है। लेकिन जब कुछ अनयूजुअल सा होने लगता है आपके साथ कि ऐसा नहीं हो रहा था, अब मेरे साथ हो रहा, प्लस कपकपी होना, स्किन पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी नहीं जा रहा है, वो परसिस्ट कर रहा है बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा कई बार फेंट हो जाना या फिर धुंधला दिखना, ये भी लक्षण होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक तो लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें, अपनी जांच कराएं ताकि ज़रूरी सावधानियां समय रहते फॉलो कर ली जाएं। 3 तरह के रिस्क हो सकते हैं आपको, जैसे कि सिजेरियन करने के चांसेस आ सकते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसमें प्रीक्लैम्प्सिया का भी आपको खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में बच्चा जन्म लेता है तो उसको ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स शायद पूरे ना हो पाए हों। तो अब क्या करें, इन सब से बचें कैसे? तो प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट माँ को कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि डायबिटीज़ की कंडीशन ना डेवलप हो बॉडी में, क्योंकि एक हार्मोनल कंडीशन है और ये आपके तौर तरीके से ही बन जाती है। ऐसे में सबसे पहले आप याद रखें कि जंक फूड, प्रोसेस्ड जो फूड होता है वो आपको नहीं खाना है, रिफाइंड फ्लोर से बना हुआ, मैदे से बना हुआ, शक्कर से बना हुआ आइटम नहीं खाना है, ना बाहर से लेकर आना है, ना उसको घर में रोज रोज बनाकर खाना है। अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो आधी जंग आपने जीत ली। अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगला स्टेप ये है कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं, स्वाभाविक है, कई तरह की क्रेविंग्स होती हैं प्रेग्नेंट वुमन को। इन सच कंडीशन अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो थोड़ी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए, हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रखिए अलग अलग तरीके का। आप दही रख सकते हैं, स्प्राउट्स रख सकते हैं, पनीर रख सकते हैं, टोफू रख सकते हैं, अपने हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रखिए जिससे कि आपको क्रेविंग नहीं आएगी। लेकिन मीठा खाने का अगर मन करता है तो प्राकृतिक मीठे जैसे कि डेट्स हैं, गुड़ से बनी हुई चीज़ें हैं, शहद है, इनको यूज़ करें, प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करें, स्पेशली फ्रूट्स आप खा सकते हैं जब भी मीठे खाने की क्रेविंग करें। ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ कंडीशंस बॉडी में डेवलप हो जाती हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ पसंद आने लगी हैं प्रेगनेंसी में और वो बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे बॉडी में शुगर की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, लेकिन आपको तो उससे बचना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नियमित 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है प्रेगनेंसी में। अब एक्सरसाइज तो हमें नहीं आती, ऐसे में क्या करें? तो आप सिंपली वॉक करें,
वॉक सबसे इफेक्टिव है। और हमारे अगर वीडियोस आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब किस तिमाही में किस महीने में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज की वीडियोस यहाँ आई बटन में दिए हैं, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक होती है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये तीन गोल्डन रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज से आप बच सकते हैं। वजन नियंत्रित रखें, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, रिफाइंड फ्लोर ना खाएं, मीठे पे नियंत्रण रखें, खुश रहें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारियाँ काम आएंगी और आप इनसे अपना पूरा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।